हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और जैसे कि हम डेली रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं सारी कंपनीज के रिजल्ट से रिलेटेड तो कल की डेट में ही बनाई थी परसों ही बनाई थी इस तरीके से डेली कोई ना कोई कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं और आज भी देखे तो आप ऊपर देख रहे होंगे ये सारी की सारी दिग्गज कंपनी के रिजल्ट है जिससे रिलेटेड हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं और उससे रिलेटेड जानेंगे बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें करे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे और यहाँ पर आपको सीखना है और हम इस तरीके से आपको वीडियो में बताते रहते हैं सिखाते रहते हैं इसलिए दूसरी वीडियोज को देखिए आज के दिन भी तीन वीडियो आ चुकी है प्ले को देखिए बाकी का ट्रेडिंग अकाउंट है नीचे क्लिक लिंक दे तो हम जिस शेयर से रिलेटेड यहाँ पर पहले बात कर रहे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी आपको पता ही किस तरीके से शेयर भागते हुए दिखाई दिया है इन करोड़ में रिजल्ट है टोटल इनकम की बात कर रही है इस बार के रिजल्ट है ये लास्ट क्वार्टर के लास्ट ईयर के तो टोटल इनकम की बात करें तो 1315 करोड़ का यहाँ पर इनकम है इससे पहले चौदह से पहले आठ सौ तो ईयरली तो बेस पे यहाँ पर जंप है क्वार्टरली बेस पे स्लाइटली यहाँ पर गिरावट है स्लाइटली भी नहीं अच्छी खासी गिरावट है और बात करें तो टोटल एक्सपेंस की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस तो, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस अगर हम देखे आ, एक मिनट बिफोर टैक्स प्रॉफिट एक्सपेंस तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर देखें तो एक एक हज़ार एक सौ छियानवे इससे पहले एक हज़ार तीन सौ तैतीस इससे पहले आठ सौ अठहत्तर तो ईयरली बेसिस पे एक्सपेंसिव बढ़ रहा है बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है बट अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की सीधे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की इसका प्रॉफिट कितना हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड शार्प यहां पर देख लीजिए नेट प्रॉफिट तो 106 तो करोड़, तो करोड़ का प्रॉफिट है इससे पहले 121 करोड़ का इससे पहले 2 करोड़ का प्रॉफिट था तो ईयरली बेस पे कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है जो यहाँ पर दिख रहा है और क्वार्टरली बेस में यहां पर गिरावट है और यहाँ पर पता ही आपको लॉकडाउन था यहां पर भी थोड़ा सा लॉकडाउन था बस इतना नहीं था बट स्टिल बात करें कंपनी के अच्छे रिजल्ट पेश करे यहाँ पर ईपीएस भी देख लीजिए तीन का ईपीएस दो रुपये दो का हो गया है और पंद्रह पैसे का ईपीएस दो रुपए पैसे तो कंपनी के अच्छे रिजल्ट है इसकी तरफ निकाय बनाइएगा

वो बढ़ती हुई नजर आ रही है इंटरेस्ट इनकम इनकी क्वार्टरली बेस पर घट रही है बट ईयरली बेस पर बढ़ रही है रेंटल इनकम इनकी आ रही है और यहाँ पर अदर यहाँ अदर इनकम भी देखिए वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है तो एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस देखिए अठारह हजार हुआ है इससे पहले सोलह हजार था इससे पहले बारह हजार तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो जो कि आपके सामने यहाँ देख सकते हैं छह हजार आठ सौ तिरासी लक्ष्म रूपीज का प्रॉफिट है इससे पहले सात हजार सात सौ इकतीस चार हजार एक सौ अड़तालीस तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट में जंप है बट क्वार्टरली बेस पर थोड़ी सी गिरावट है बट कोई इशू नहीं है यहाँ पर अगर बात करें एक्सपेंस वगैरह थोड़ा ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया

इंडिया मार्ट आपकी बेहतरीन कंपनी जो दस हजार पे गई आज सात हजार पे चल रही है यहां पर इन मिलियंस पर रिजल्ट है टोटल इनकम देखे तो दो हजार एक सौ सात मिलियन से रुपीज से पहले एक हजार आठ सौ तिरपन इससे पहले तो एक हजार आठ सौ सैंतालीस ईयरली क्वार्टरली बेस पे इनकम में यहां पर जंप है जो कि काफी बेहतरीन बात है अदर इनकम भी यहां पर एड होती हुई नजर आ रही है और टोटल एक्सपेंस की बात करें नौ सौ साठ इससे पहले नौ सौ छिहत्तीस पहले आठ सौ बाईस तो एक्सपेंस ईयरली बेसिस पर बढ़ रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पर घटते हुए नजर आ रहे हैं और टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए नौ सौ सात करोड़ का मिलियन से रुपीज का प्रॉफिट है इससे पहले पांच सौ बयालीस

से पहले एक हजार एक सौ पचहत्तर ईयरली क्वार्टरली बेस पर टोटल इनकम में जंप है जो कि इसके काफी इनकम पहले जो ईयरली बेसिस पे हमने देखी थी वो भी अच्छी खासी है एक हजार एक सौ अठहत्तर की तो मिलियन से दो सौ चौंबालीस लगभग डबल प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है मतलब कंपनी ने धमाल मचा दिया है ये शेयर अब आज भी पांच छह परसेंट भागा था और दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी कुछ दो तीन दिन पहले जहां पर तेरा स्टॉक से रिलेटेड हमने बातें करी थी पर हमने एक शेयर खरीदा था तो अच्छा गेन हमें आज भी हो रहा है और दोबारा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा और डबल शायद छह से एक साल के अंदर अंदर वहां पैसे भी डबल हो जाए इसके अलावा बात करते हैं एक और कंपनी सारे गामा आपको पता है किस तरीके से यहाँ पर शेयर भागता हुआ दिखाई दिया था इंडेक्स में यहाँ पर रिजल्ट टोटल इनकम देखे दस हज़ार सात सौ छिहत्तर लैक्सन रुपीज़ का इनकम है इससे पहले चौदह हज़ार इससे पहले आठ हज़ार तो ईयरली बेस पर जंप है बट क्वार्टरली बेस पर भारी गिरावट है एक्सपेंस की बात करें सात हज़ार सत्तानवे का एक्सपेंस है इस से तो पर नौ हज़ार एक सौ बयासी इससे पहले पाँच हज़ार पचासी पाँच हज़ार नौ सौ पचासी तो ईयरली बेस पे एक्सपेंस बढ़ रहा है बट क्वार्टरली बेस पे गिरावट है बट अगर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो यहाँ पर देखिए दो हज़ार सात सौ तैंतीस इससे पहले तीन हज़ार सात सौ अठारह इससे पहले एक हज़ार पाँच सौ छिहत्तर तो ईरली बेस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है जो कि ईयरली बेस पे ही ज्यादा मायने रखता है

टोटल इनकम की बात करें तो एक सौ करोड़ का यहाँ पर इनकम हुआ है इससे पहले एक करोड़ इससे पहले अगर बात करें एक करोड़ का यहाँ पर इनकम थी ईयरली क्वार्टरली बेस पर इनकम बढ़ रही है और तो अगर हम बात करते हैं एक्सपेंस की, तो की तो एक तो करोड़ का एक्सपेंस इससे पहले एक सौ पंद्रह एक ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की या नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो देखिए 32 करोड़ का प्रॉफिट है इससे पहले 16 करोड़ था इससे पहले 23 सौ 23 करोड़ तो ईयरली बेसिस पे तो जंप है ही क्वार्टरली बेसिस पे दुगना प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है

पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहां पर आप देख सकते हैं बाकी और भी चीजों की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फॉर द पीरियड

यहां पर देखिए टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन तो यहां पर आप देख सकते हैं 18, अठारह सौ से पहले तेरह से पहले तेरह ईयरली क्वार्टरली बेस पर जंप है एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस भी यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं से बात प्रॉफिट फॉर द पीरियड की जो कि आपके सामने है, तो लाख uh, का है, है, पर प्रॉफिट इससे पहले तैतीस लाख इससे पहले दस लाख तो ईयरली बेस पे यहाँ पर, पर प्रॉफिट में तीन गुना की जम्प है क्वार्टरली बेस पर थोड़ी सी पर गिरावट है बट कोई इशू नहीं है लगभग सेम ही है अगर बात करें ईपीएस की वो भी देख ली छियालीस पैसे का इससे पहले पचास पैसे

करोड़ में रिजल्ट है टोटल इनकम देखिए एक सौ तीन करोड़ सौ करोड़ निर्नवे करोड़ तो ये ये बेस पर इनकम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अच्छी बात है प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें अड़तालीस करोड़ का प्रॉफिट है तैंतालीस करोड़ तो कंपनी का ईयरली क्वार्टरली बेस काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस है बजाज होल्डिंग की तरफ नजर शेयर आपको भागते हुए दिखाई दे सकता है बजाज Auto, okay, इन करोड़ में रिजल्ट आया है, तो अच्छा है, है और हम बात करते हैं यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो थोड़ा सा घटता क्वार्टरली बेस पे घटता हुआ नजर आ रहा है ओके यहाँ पर आप सब चीज देख सकते है इसके अलावा बात करें एक्सपेंस की तो एक्सपेंस देख लीजिए छह हजार तीन सौ बत्तीस से पहले सात हजार एक सौ चालीस से पहले दो हजार सात सौ पैंतीस ईयरली बेस पे एक्सपेंस बढ़ रहे क्वार्टरली बेस पे घटते हुए नजर आ रहे हैं बट बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो एक हजार इकसठ लैक्स इन रुपीज लैक्स करोड़ है एक बार देख लेते हैं इन करोड़ सॉरी तो अगर बात करें प्रॉफिट एक सौ एक हजार इकसठ करोड़ का प्रॉफिट है इससे पहले तेरह सौ बत्तीस इससे पहले पांच सौ अट्ठाईस तो ईयरली बेसिस पर दो गुना यहाँ पर प्रॉफिट है क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट है तो यहाँ पर अगर देखते हैं कल की रेट में कैसा यहाँ पर मार्केट तो इसे लेती है बट अच्छे खासे ठीक ठाक रिजल्ट है बस क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट है इसके अलावा बात करते हैं एक और कंपनी अल्ट्रा Cement, जो कि मार्केट का दिग्गज यहां पर सीमेंट नजर आता है लार्ज कैप इसकी तो इसके रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो यहां पर देखिए इन करोड़ में रिजल्ट है सेम पैटर्न टोटल इनकम देखिए बारह हजार चौतीस से पहले चौदह हजार चार सौ पैंसठ इससे पहले सात हजार नौ सौ उनचास ईयरली बेसिस इकमे बट क्वार्टरली बेस पे गिरावट है और यहाँ पर बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की नौ हजार पांच इससे पहले ग्यारह से सात सौ छह तो एक्सपेंस ईयरली बेसिस बढ़ रहे हैं क्वार्टरली बेस पर गिरावट और बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एक सत्रह करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इससे पहले सत्रह करोड़ इससे पहले सात तो ईयरली बेस पर कंपनी ने दो गुना ज्यादा प्रॉफिट किया है क्वार्टरली बेस पर क्या पर कैसे

बात करते हैं प्रॉफिट पोधा की क्षेत्र से से प्रॉफिट है।, है और यहाँ पर, पर गिरावट है भी यहां पर आप देख सकती है ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर इसके दो तीन बैंक के रिजल्ट भी आए हैं इनलेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है यहाँ पर अगर बात करें इंटरेस्ट तो यहाँ पर इस पर जो इंटरेस्ट अन हुआ लाख तिरसठ हजार ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट है बट टोटल इनकम की बात करे एक लाख नौ हजार इससे पहले एक लाख चौदह हजार एक लाख उन रुपीज का यहाँ पर इनकम थी तो क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर टोटल इनकम घटती हुई नजर आ रही है और हम बात करते हैं एक्सपेंस की तो यहाँ पर आप देख सकते आ, यहाँ पर एक्सपेंस कितना टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ देखिए लाख सत्तावन हजार पहले एक हजार तो एक्सपेंस यहाँ पर ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया है प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजनिंग भी यहाँ पर yearly, पर क्वार्टरली बेस बढ़ी है उनचास हजार सात सौ सत्तानवे इकतालीस हजार था इससे पहले उनतीस हजार और अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की यहाँ पर देख सकते हैं तो एक हजार इकतीस लैक्सिंग रुपीज का प्रॉफिट है इससे पहले छह सो अस्सी था इससे पहले आठ हजार एक सौ पैंसठ तो यहाँ पर लमसम अगर बात करें ईयरली बेस काफी

इनकम की बात करें टोटल इनकम एक लाख छिहत्तर हजार इससे पहले चौंबालीस हजार इससे पहले सॉरी चुम्वाली लाख इससे पहले इस सात लाख का यहाँ पर इनकम थी तो यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे इनकम बढ़ रही है जो कि अच्छी बात एक है टोटल एक्सपेंस देख लीजिए तीन आ, तीन लाख का एक्सपेंसिस से पहले तैतीस लाख इससे पहले घाटे में एक्सपेंस हुआ था मतलब एक्सपेंस दिया ही नहीं था तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जंप है एक्सपेंस में बट क्वार्टरली बेस पर गिरावट है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें एक सौ सैंतालीस लैख्स रुपीज का प्रॉफिट है इससे पहले तेरह लाख इससे पहले आठ लाख तो कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न रिजल्ट यहाँ पेश किया है जो की ईपीएस में भी देख सकते हैं इस इन कंपनी की तरफ आपको निगाह बना के चलनी है इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर रानी इंजन वाल्व यहाँ पर एक और कंपनी है जिसके कल भी एक रिजल्ट आया था वो भी ठीक ठाक थे यहाँ पर इसके भी रिजल्ट देखते

इर्ली बेसिस पे बस ये है घाटा इनका बेसिस पर कम हुआ है क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर घाटा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईपीएस घाटे में है तो राने इंजन वाल इससे दूर रहिएगा इसके अलावा बात करते हैं एक और कंपनी की म्यूजिक ब्रॉडकास्ट जो कि रेडियो सिटी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है इन लेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है टोटल इनकम की बात करें दो से पहले सौ पैंतीस चार सौ चौहत्तर एक लाख सॉरी एक हजार नौ सौ रुपीस तो ईयरली बेस पे इनकम बढ़ रही है क्वार्टरली बेस पे गिरावट है बड़ी वाली अगर बात करते हैं टैक्स की तो टैक्स भी आप देख सकते हैं चार जो की बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सॉरी एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हजार आठ इससे पहले तीन मतलब कंपनी ने रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंस ज्यादा होते हुए

और टोटल एक्सपेंस की बात करें वो भी अगर ईयरली बेसिस बढ़ रहा है बट क्वार्टरली बेस पे सेम कह दो या फिर बढ़ता हुआ कह दो उन्नीस हजार नौ सौ सौ इससे पहले उन्नीस हजार दो सौ अट्ठासी इससे पहले दस हजार अगर बात करते हैं प्रॉफिट पी एड की दो हजार दो सौ नब्बे कह सकते हैं इसे अराउंड और दो हजार एक सौ इकतालीस से पहले एक हजार तो कंपनी ईयरली बेसिस पे दो गुना और क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, तो इसकी तरफ ध्यान रखिएगा अर्न ईपीएस यहाँ पर इसका बढ़ता हुआ नजर छह रुपए अस्सी पैसे का और अगर बात करते हैं यहाँ पर और कम, एक और बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसके भी नंबर आ गए इन में रिजल्ट है टोटल अगर इंटरेस्ट अन की बात करें तो तीन लाख दस हजार से पहले दो लाख टू लाख एटी नाइन थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फोर लैक्स एंड रुपीज का यहाँ पर इनकम थी तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बात करें अदर इनकम टोटल इनकम की तो यहाँ देखिए तीन हजार तीन लाख अस्सी हजार के आसपास यहाँ पर टोटल इनकम है इससे पहले चार लाख थी इससे पहले तीन, तीन लाख छब्बीस हजार थी ईयरली बेस पर कंपनी का जंप है बट क्वार्टरली बेस पर थोड़ी थोड़ी गिरावट गिरावट है थोड़ी नहीं अच्छी खासी और एक्सपेंस आप देख सकते हैं दो लाख अड़सठ हजार चार सौ तेरह रुपीज से पहले दो लाख अस्सी हजार दो लाख पचपन हजार ईयरली बेस पर बढ़ रहा है बट क्वार्टरली बेस पर एक्सपेंस घट रहा है और बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की आफ्टर टैक्स जो तो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बीस हजार आठ सौ एक लेक्सिंग रुपीज का प्रॉफिट सोलह

तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हुआ है छह हजार तीन सौ बासठ लैक्स लैक्स रुपीज रुपीज का प्रॉफिट है इससे पहले छह हजार तीन सौ बयासी चार हजार दो सौ अट्ठासी कंपनी का ईयरली बेसिस पे कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस है क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है बट कोई इशू नहीं है यहां पर देखिए ईपीएस भी लगभग सेम है तो कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज है और यहाँ पर एनर्जी के स्टॉक काफी चल रहे हैं इसके अलावा एक और कंपनी से रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं तो यहाँ पर इन कुछ कंपनी के रिजल्ट आए नहीं है अभी तक आईसीआईसीआई लॉन्ग बार्ड के आई थिंक देख लेते हैं एक बार फिर भी अगर आए हैं तो हम देख लेते हैं बाकी इम्फेसिस और परसिस्टेंट सिस्टम इसके भी रिजल्ट नहीं आए हैं एक बार लास्ट में जाते जाते देखेंगे अगर इनके रिजल्ट आए होंगे तो हम देख लेंगे यहाँ पर आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग यहाँ पर आया तो है एक बार देख लेते हैं यहाँ पर अगर इनके रिजल्ट आए थे हाँ तो इनके रिजल्ट आ गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके रिजल्ट इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है ग्रॉस प्रीमियम यहाँ पर अगर बात करें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्वार्टरली ईयरली बेस पे यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रीमियम की अभी अगर हम बात करें थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे और अगर बात करते हैं यहां पर प्रीमियम नेट प्रीमियम रिटर्न यहां पर वो भी अगर बात करें क्वार्टरली बेस पर जंप है बट ईयरली बेस पर ईयरली बेस पर जंप है क्वार्टरली बेस पर गिरावट है आ, टोटल इनकम की अगर बात करें तीन लाख चौबीस हजार इससे पहले तीन लाख अड़तालीस हजार इससे पहले दो लाख बहत्तर हजार तो ईयरली बेस पर जंप है क्वार्टरली बेस पर यहाँ पर गिरावट है टोटल इनकम में एक्सपेंस की बात करो तो यहां पर देख सकते हो तीन लाख इक्कीस हजार दो लाख सत्तर तो एक्सपेंस ईयरली क्वार्टरली बेस पर बढ़ रहे हैं और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पंद्रह हजार एक सौ तिरसठ इससे पहले चौथी या इससे पहले उन हज़ार तो जितनी भी है जनरल इंश्योरेंस और ये सारी की सारी कंपनीज हैं इनके रिजल्ट बेकार आए हैं तो इनकी तरफ ध्यान देखिएगा बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें देखने के लिए तो वो चीज़ आप देख सकते हैं बाकी इसके अलावा बात करते हैं एक और कंपनी हैडलबर्ग सीमेंट तो यहाँ पर इसके भी रिजल्ट आए इन मिलियंस में रिजल्ट है टोटल इनकम की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इनकम यहाँ पर पांच हजार छह सौ चौसठ लैक्सन रुपीज से पहले छह हजार एक सौ सैतालीस से चार हजार एक सौ चौहत्तर ईयरली बेस पर जम है क्वार्टरली बेस पर गिरावट है और तो टोटल एक्सपेंस की बात करें वो भी ईयरली बेस पर जम है क्वार्टरली बेस पर गिरावट है और सौ छियासी लैक्सिन रुपीज से पहले एक लाख तीन हजार एक हजार तीन सौ निन्यानवे लैसन रुपीज से पहले चार सौ नब्बे के आसपास तो ईयरली बेस पर यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है बट क्वार्टरली बेस पर यहाँ पर गिरावट है इस चीज को आपको देखना पड़ेगा और इसे, अग, इसे दूरी सी है, है, e -E पर बी बैंक एक, एक, और एक और बैंक यहाँ पर यहाँ पर इनलैक्स में रिजल्ट है तो इंटरेस्ट अर्न देखे तो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न ईयरली e बेसिस -E पे पर पर जम्प हैली बेस पे स्लाइटली गिरावट है कह सकते, सेम ही है बट टोटल इनकम देखे

ओके okay, तो ये कुछ कंपनीज है इनके रिजल्ट आए नहीं तो ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस करके दिखाती है तो इनके भी रिजल्ट देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो लंबा हो रहा है बट कोई इशू नहीं हमारी अच्छी खासी नॉलेज अच्छे अच्छे शेयर हमें पता चले है तो इस चीज से कोई इशू नहीं होता कि लंबा वीडियो हो रहा है तो हम देखते हैं इनका उसमें यहाँ पर रिजल्ट है टोटल इनकम की बात करें एक लाख सत्तर सॉरी एक बारह हजार सात सौ निन्यानवे से पहले चौदह हजार से पहले पांच हजार नौ सौ छियासी ईयरली बेसिस पे यहाँ पर इनकम में जंप है क्वार्टरली बेस पे गिरावट है थोड़ी सी आपको सभी को पता है क्या रीजन है टोटल एक्सपेंस की बात करें तो सेम बारह हजार सात सौ पच्चीस हजार चौदह हजार से पाँच हजार पांच सौ पिचानवे है एक्सपेंसिस बेसिस बढ़ रहे हैं क्वार्टरली

तो मोस्टली यहाँ पर अगर बात करें सारी कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आए हैं कुछ कंपनी को छोड़ के तो अगर इसके रिजल्ट भी आपके सामने इंडेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है अगर देखते हैं टोटल इनकम तो यहाँ देख लीजिए पैंतालीस हजार पैंतालीस हजार चौरासी लैक्सिन रुपीस से, से पहले छियालीस हजार तो से पहले बावन जा तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे गिरावट है वो भी घटते हुए नजर आ रहे हैं इस पर तीस हजार से पहले बत्तीस से और मेन चीज जो होती है ना यहाँ पर ऑपरेशन फोर्स है जो इनकम है वो होनी चाहिए तो ही अच्छा खासा रहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्योंकि एक्सपेंस तो हमको एक बार कंट्रोल कर सकते हैं दस हजार से पहले दस हजार दो सौ सत्तावन से पहले नौ हजार तीन यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करें तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर इनके एक्सपेंस अः यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं इस वजह से तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है इस चीज को देख सकते हैं कैन फाइन फाइनेंस इसके अलावा uh, की यहाँ पर बात करें एक और कंपनी की तो ये कौन सी है यहाँ पर बायोकॉन बायोकॉन के भी रिजल्ट देख लेते हैं क्योंकि ये भी कंपनी एक इम्पोर्टेंट कंपनी है और इसके अलावा और भी कुछ कंपनी है तो उसके भी रिजल्ट देख लेते हैं एग्रोटेक यहाँ पर एग्रोटेक ने आई थिंक एग्रोटेक्स नहीं ये दूसरी कंपनी थी ठीक है राइट तो अभी तक इसके रिजल्ट आए नहीं है इसके अलावा हम देखते हैं बायकॉन के रिजल्ट आप देख लीजिएगा बट मैं कल की डेट में इसे कवर अप करेंगे एग्रोटेक की बात करें तो एग्रोटेक के यहाँ पर रिजल्ट आ गए हैं एक बार देख लेते हैं निकाल के एक मिनट लगेगा बस तो यहाँ पर एग्रोटेक यहाँ पर देख लीजिए इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है स्टैंड लॉन कंसोलिडेट स्टैंड लॉन देख लेते हैं सीधे टोटल इनकम की बात करें बीस हजार छह सौ सैंतीस इक्कीस हजार बीस हजार तो ईयरली बेसिस पे ओके okay, यहाँ पर जंप है क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है ठीक है कोई बात नहीं टोटल एक्सपेंस की बात करें ईयरली बेसिस पे बढ़ रहे हैं क्वार्टरली बेस पे गिरावट है और बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो सात सौ चौहत्तर लैसिंग रुपीज का प्रॉफिट है इससे पहले छियानवे इससे पहले बारह सौ चौसठ तो ईयरली बेस पे यहाँ पर गिरावट है जो की अच्छी बात नहीं होती यहां पर लॉकडाउन था स्टिल और बट क्वार्टरली बेस पे यहां पर अच्छी खासी पर पैदिकल देखते हैं कि कंपनी लोग किस तरीके से इसकी शेयर की तरफ बिहेव करेंगे इसके अलावा हम बात करते हैं और भी कंपनी की यहां पर ये एक और कंपनी है इसमें आज अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है तो यहां पर इसके रिजल्ट देख लेते हैं अगर आए होंगे तो अदरवाइज हम सीधे यहां पर, पर परसिस्टेंट सिस्टम और उसके रिजल्ट एक बार देखते हैं अगर आते हैं तो इसके रिजल्ट नहीं आए एक बार हम प्रसिस्टेंस सिस्टम के देख लेते हैं इस तरीके से आप इन कंपनी के रिजल्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ पर बी पे जाके ओके ये भी सीखने का आपको मौका मिल जाएगा तो यहाँ पर प्रसिस्टेंट यहाँ पर आपने डाला तो यहाँ पर अभी तक इसके परसिस्टेंस के रिजल्ट नहीं आए और एम फेसिस सारी की सारी आई कंपनी है तो इसके रिज़ल्ट अगर आए तो आपको देखने हैं को आपको ध्यान रखना है क्योंकि तो ये कंपनी इंपॉर्टेंट कंपनी है इनके रिजल्ट मायने रखते हैं एक बार इसके देख लेते हैं अगर आए तो वरना सारी कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर बेहतरीन आते हुए दिखाई दिए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है लंबे अगर थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट होती है तो इन कंपनी की तरफ आप ध्यान बना के रख सकते हैं तो अगर हम बात करते हैं इन कंपनीज की तो मोस्टली सारी कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर अच्छे खासे आते हुए दिखाई दिए तो इन सारी कंपनी पर नजरें बनाइएगा आज के लिए बहुत है और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपके लिए डेली बेसिस पर मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉडप्लस